एक बड़ी खबर मिल रही है। बैठक के बाद पशुपति पारस का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार करेंगे, अगर सम्मान नहीं मिला तो विकल्प खुले हुए हैं, ये पशुपति पारस की तरफ से कहा गया है। बड़ी बैठक की है पशुपति पारस ने अब से कुछ देर पहले, और अब बैठक के बाद उनका बड़ा स्टेटमेंट, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है, अगर सम्मान नहीं मिला तो फिर विकल्प हमारे लिए भी खुले हुए हैं। क्या कुछ कहा है एक बार सुन लीजिए। विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से, कि हमारी पार्टी के जो हम 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें, और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ।